जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में काली बिल्ली का काटना शुभ होता है या अशुभ। दोस्तों, अगर सपने में आपको कोई काली बिल्ली काटती हुई दिखाई देती है तो इस सपने के बाद आप अपने दोस्तों का विश्वास खो देंगे। कहने का मतलब है कि आपको अपने प्रिय दोस्तों से धोखा मिलने वाला है। आप जिन दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग आपको धोखा देकर आपके विश्वास को तोड़ेंगे, जिसके कारण आप अंदर से बुरी तरह से टूट जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार के सपने का एक दूसरा भी मतलब होता है जो कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, कि आने वाले समय में आपको किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का सपना आपके जीवन में कमजोरी या बीमारी लाने का काम करता है, तो आपको इस सपने के बाद सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी कोई बीमारी आए तो आप जल्द ही डॉक्टर से परामर्श लेवे और डॉक्टर की दवाई ले, ताकि आपकी बीमारी जल्दी ही ठीक हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और उन्हें सच्चे मन से पूछते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली के साथ अपने माता पिता का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके माता पिता पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी को पूछते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। अब बात करते हैं सपने में काली बिल्ली का पंजा मारना कैसा होता है। आपने सपने में देखा कि एक बिल्ली ने आपको जोर से पंजा मारा है तो ये सपना आपके लिए बहुत ही अशुभ संकेत देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको वो इंसान चोट पहुंचाने वाला है जो आपके दिल के करीब है। हो सकता है कि आपको वो कोई बड़ा धोखा दे दे, तो इस सपने के बाद आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपके कष्टों में कमी हो। अब बात करते हैं सपने में काली बिल्ली को काटना कैसा होता है। दोस्तों, सपने में मुर्गी बकरी आदि को काटते देखा होगा। क्या आपने सपने में किसी बिल्ली की को काटते हुए देखना? आप सपने में खुद को एक कसाई के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि आप एक बड़े से छुरे से बिल्ली की गर्दन काट देते हैं, तो ये सपना आपके लिए धोखे का प्रतिनिधित्व करता है कि आने वाले दिनों में आपको अपने प्यारे दोस्तों से धोखा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस सपने के बाद ऐसे दोस्तों से सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए जिनकी दोस्ती केवल छलावा हो। तो दोस्तों, इस सपने के बाद आपको अपने दोस्तों की बात मानने से पहले उसके बारे में अपने घर वालों से विचार विमर्श करने की जरूरत है। अगर आप अपनी दोस्ती के मद में अंधे होकर बिना विचारे अपने दोस्त पर विश्वास करते हैं तो आप निश्चित तौर पर बर्बाद होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।